हेलो पिला माने, वेलकम यू आर टू प्रयास क्लासेस। आमर प्रथम सिटिंग पुलिस एसआई ओडिशा पुलिस एसआई 2021 जो हेला सरी जाइछि। देखिबा आज वर्तमान आम तार ओडिया क्वेश्चन सब डिस्कशन करिबा। जीबा आमे प्रथम क्वेश्चन की प्रथम क्वेश्चन कौन अछि। प्रथम क्वेश्चन अछि, निम्नलिखित इंग्राजी वाक्य बा वाक्यांशर सबुठ निकटस्थ ओडिया अनुवाद चिन्हट करी लेख। एक नंबर देछि कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ऑप्शन धारुआ यंत्र, एबे प्रचलित यंत्र, सामरिक यंत्र, ज्यामितिक यंत्र। कोटा ठीक उत्तर कौन तुमको लगुच्छ? एटा हूँ आमर एबे प्रचलित यंत्र, तेणु बी ऑप्शन टा ही ठीक है। देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन दुई नंबर, फेल्ड लाइक ए डेड लॉक, डेड डॉक। फेल्ड फेल्ड अर्थ कौन? विफल है, अकृतकार्य है। लाइक ए डेड डॉक, मला बतक परी पड़ा, किसी रन नक बतक परी पड़िया छाड़ा, संपूर्ण भाव विफल होगा, बतक परी अकृतकार्य है, जमा बतक परी करिवनी, करिवो कौन? संपूर्ण भाव विफल होगा, तेणु सी उत्तरटा ही ठीक। देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविन द पिंक स्लिप, पिंक स्लिप देवा कथा कौन गोटे कौच कौन? देख चाकरी में पदोन्नति देवा, गोलापी कागज प्रेम निवेदन करवा, चाकरी रु बाहर करदे प्रशंसा करवा। भावुच कि जे चाकरी पदोन्नति देवा ठीक हे ना? चाकरी में पदोन्नति देवा नुह, चाकरी बाहर करदे, गिविन द पिंक स्लिप। तेणु उत्तर हूँ यार कौन? तीन नंबर सी है। देखिबा चार नंबर, कटिंग कर्नर्स, कटिंग कर्नर्स कौन? धार को काटी सड़क करदे, चतुरता देखा, उपयुक्त उद्यम नक सफलता खोजा, आ गोटे दे समस्त उद्यम सह कार्य करवा। उत्तर से ही सी, उपयुक्त उद्यम नक सफलता खोजा, मैं केमी गोटे क्विकली जिनसा हाब जहाँ सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर तक फॉलो न करी किसी टे कांछाड़ करी आम से ही रिजल्ट खोजा कथा। तेणु चार नंबर हूँ कौन? सी। चार नंबर है सी। देखिए पांच नंबर, हैंग इन देयर, हैंग इन देयर हूँ उद्यम जारी रखा, सेठे झुलाइवा, सेठे झुली आत्महत्या करवा, सेठे पहुँची युद्ध करवा, हैंग इन देयर, उद्यम जारी रखा। प्रथम ऑप्शनटा ही ठीक, ये जो ए ऑप्शनटा यहीटा ही ठीक, प्रथमटा उद्यम जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही? कन्स्पिरासी रिक्वायर्स मीटिंग ऑफ माइंड, कन्स्पिरासी कौन? षड्यंत्र मनरु सृष्टि हुए, षड्यंत्र सहमति सृष्टि हुए, षड्यंत्र बैठक कराए, मनुष्य मन षड्यंत्र को भेटे, से कौन षड्यंत्र कौन दरकार? मीटिंग ऑफ माइंड माने जड़े षड्यंत्र कर सहित आउ जन को जहाँ को नब एक तो षड्यंत्र कर कष्ट तेनालीराम सहित तार माइंडटा मिशार अच्छी, तेणुक सहमति आसवा दरकार, तेणुक षड्यंत्र सहमति सृष्टि हुए। कौ अपसन अच्छी? बी अपसन अच्छी है। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे? सी आई टू आई कौन दे? आखिरे आखि मिलाइबा, आखिरे आखि को देखिबा, एकमत हेबा, आखि ओ मन मिलाइबा, कौन एटा लागुची? एटा होची एकमत हेबा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन टा ही ठीक। सात नंबर सी एकमत हेबा, सी आई टू आई देखिबा। सात नंबर सी आई टू आई अर्थ कौन? आखिरे आखि मिलाइबा, आखिरे आखि को देखिबा, एकमत हेबा, आखि ओ मन मिलाइबा, कौन सात नंबरटा ही सी एकमत हेबा, सी ऑप्शनटा ही ठीक। देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनकैनी, अनकैनी कौन? स्ट्रेंज ना, तुमको ता अर्थ कौन? मैंने बेत भली नुहे, स्वाभाविक ठार भिन्न, विरल, असंभव,
स्वाभाविक नुह अस्वाभाविक तेनाली स्वाभाविक ठारू भिन्न बी ऑप्शन ना ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मीट बाय आनार्किज्म सहज अच्छी ना निश्चय सहज अच्छे आनार्की आनार्की कौन आनार्की आनार्किज्म से कौन एक छत्रवादी शासन गणतांत्रिक शासन अतीतर शासन ना अराजकता अराजकता निश्चय तुम्हें सब कर भावुची अराजकता देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला होमिसाइड इज ए हेइनस क्राइम आत्महत्या एक जटिल अपराध हत्या एक जघन्य अपराध हत्या एक धर्तव्य अपराध आत्महत्या एक जघन्य अपराध होमिसाइड मान कौन से मनीष मार मैंने हत्या करवा तेणु कौ अपसन हत्या अच्छी बी आउ सी आत्महत्या नुहे आत्महत्या हूँ सुइसाइड तेणु हत्या एक जघन्य अपराध ना हत्या एक धर्तव्य अपराध जघन्य अपराध ही ठीक तेणुक दस नंबर कौन है बी दस नंबर हूँ बी। देखा एगार नंबर एक्सटिंक्शन ऑफ कॉर्नर स्टोन स्पीसीज इंडिकेट्स चेंज ऑफ द बायोस्फीयर बायोस्फीयर चेंज है कौन जना पड़ो एक्सटिंक्शन लोप पाइबा कौन लोप पाइबा ना कॉर्नर स्टोन स्पीसीज कौन देख अर्थ भावुच मूल प्रजाति लोप पाइबा जीवमंडल परिवर्तित होइथिबार सूचना दिए ना जीवमंडलर पथुरिया स्थान में रहुथिया प्रजाति लोप पाई परिवेश परिवर्तित होबा इटि इंडिकेट करे मैंने सूचना दिए तेना सूचना दिए कौटी अच्छी प्रथम ऑप्शन आ कॉर्नर स्टोन स्पीसीज मैं कौन जो जाणिना अनुमान करने को पड़ो तेना मूल प्रजाति लोप पाइबा जीवमंडल परिवर्तित होबार सूचना दिए सी ऑप्शन थिला किंतु कौन देखि दियो उत्तर तो ए होइगला तथापि आम सी आउ डी देखि नबा यहाँ एगार नंबर ए देखा सी थी जीवमंडल रोकता तृणभोजी प्राणी लोप पाई परिवेश परिवर्तित होगा आ लास्ट ऑप्शन था जीवमंडल परिपार्श्वर थी प्रजाति लोप पाई परिवेश प्रदूषित होगा परिवेश प्रदूषित होगा कथा कहनी चेंज ऑफ द बायोस्फीयर चेंज मैंने परिवर्तन कथा कही परिवर्तित होगा बर कही कि प्रदूषित होगा कथा भी नुहे तेनाली प्रदूषित होगा डी ऑप्शन थी तेनालीटा नुहे। देखा प्रैक्टाइजिंग मेडिटेशन इन द ट्रांक्विल कन्फाइन्स ऑफ द हिल्स मेडिटेशन टा प्रैक्टिस करिबा प्रैक्टाइजिंग तेणुक ध्यान करिबा इन द ट्रांक्विल कन्फाइन्स ऑफ द हिल्स पहाड़ शांत जो निरवता भितर आम ध्यान करिबा कथा कहे तेणु पर्वतांचल ध्यान कर शांति मिलवानु से शांत शिष्ट जो शांत वातावरण से ध्यान करवा तेणुक ऑप्शन हूँ कौन पहाड़ शांत वातावरण रे ध्यान करिबा बार नंबर हूँ बी है। नेक्स्ट थिला किंतु कौन देखी ऑप्शन गुड़ा ध्यान द्वारा पहाड़ रे शांतिर वातावरण सृष्टि करिबा ना शांत मन रे पहाड़ को जाई ध्यानमग्न होगा से कथा नुह से कहते पहाड़ रे शांत वातावरण रे ध्यान करिबा। देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एस्टैब्लिशिंग मिस अप्रोप्रिएशन एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज टू फर्स्ट प्रूव मनी हैविंग बीन इंटरेस्टेड टू द अक्यूज्ड मिस आप्रोप्रिएसन गोटे मनी हो तोषरपात होर्थ तोषरपात होर्थ आत्मसात कराई सहीटा एस्टाब्लीश करने इनभेस्टिगेट अफिसर को कौन प्रूव कर फास्ट जे मनी हाविंग बीन इंटरेस्टेड टू दि आक्यूज जी आक्यूज ताक इंटरेस्ट करा मैं ता हाथ में धरिया होता से पैसा तक मानने सी से पैसा रस्टी हिसाब से मैंने से पैसा ता दायित्व अर्थ आत्मसात करिबा प्रमाण करिबा तदंतकारी अफिसर प्रथम दायित्व तापर कहला अर्थ आत्मसात प्रमाण करने को तदंतकारी अधिकारी प्रथम प्रमाणित करने को हुए जे आत्मसात अर्थ अभिजुक्त दिया लगुच ठीक ना यहीटा ही ठीक अर्थ आत्मसात प्रमाण करने को तदंतकारी अफिसर प्रथम प्रमाणित करने आवश्यक जे अभिजुक्त विश्वास सृष्टि करता ये विश्वास सृष्टि करता कि ना ओ तुम भाव कि ट्रस्ट मैंने विश्वास ना मनी हाविंग बीन इंटरेस्टेड टू द आक्यूज तेणुक लास्ट ऑप्शन देखी दे अर्थ आत्मसात प्रमाण प्रमाणित करने को तदंतकारी ऑफिस अधिकारी प्रथम तदंत दायित्व दि जा प्रमाणित करने आवश्यक दायित्व ये तो भूल लिखी सब मैंने प्रथम ऑप्शन रे दायित्व आउ लास्ट ऑप्शन रे दायित्व जो लिखी इ लिखिदेगी ना योर हर्षिकार लिखा कथा जहाँ भी हो आमर कि बी उत्तरटा ही ठीक तेरह नंबर है बी ठीक उत्तर। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कैच 22 सिचुएसन ऑप्शन विपज्जनक स्थितर सम्मुखीन होगा क्याच करने को उभय दल संघर्ष करवा त्रिशंकु स्थितर सम्मुखीन होगा सहज स्थितर सम्मुखीन होगा
सहज स्थितर सम्मुखीन होगा सहज स्थितर सम्मुखीन होगा यहाँ कदापि हेनी सहज स्थितर सम्मुखीन हेल्ले एत कहीं मानने डिस्कसन भितर कौन हाँ तेणुक एमती गोटे स्थितर सम्मुखीन होगा जो ना मैंने आगू जी ना कि पचक जापर मैंने किसी डिसीजन नहीं पार त्रिशंकु स्थितर सम्मुखीन होगा उत्तर कौन उत्तर हूँ सी सरीगला चौदहटी क्वेश्चन सरी जाइए जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन पंदर नंबर इन डायर स्ट्रेट्स इन डायर स्ट्रेट्स सीधा रास्ता देखा मरुभूमि हजिजा कष्ट स्थितर सम्मुखीन होगा सहजरे समस्यार सम्मुखीन होगा सहजरे समस्यार सम्मुखीन होगा यार कदापि हो पारे से सी ऑप्शन ही हम कष्ट स्थितर सम्मुखीन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन मुते कलिकता देखी माने आरंभ हो गला कौन ग्रामर आरंभ मुते कलिकता देखी एटार कलिकता शब्दी क्यों विशेष खाली कही कलिकता मो बापा कलिकतार रुहता कलिकता गोटे सहर ना तेना व्यक्तिवाचक विशेष होता है कितु ये कहूँ के कलिकता देखी मैंने से गुड़ाए कलिकता अच्छी तेणुक एकाधिक कलिकता बुझेगा तेणु यहाँ जातिवाचक विशेष हो गला करचन सब डी डी उत्तरटा ही ठीक आमर है षोल नंबर तुम्हें सब कर षोल नंबर डी डीटा ही ठीक उत्तर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित केउं शब्दटी विष्णु रा प्रतिशब्द नुहे विष्टर श्रवा नीलोहित अधोक्षज वासुदेव देख जदि जानी विष्णु प्रतिशब्द वासुदेव अधोक्षज किंतु नीलोहित शब्दर अर्थ होंछि शिव तेणु विष्णु प्रतिशब्द नुहे किए नीलोहित नीलोहित माने बी ऑप्शन तापर देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन अदा व्यापार जहाज मूलैवा मैंने अदा व्यापारी जहाज मूलैवा रूढ़ीटी केऊ अर्थरे व्यवहृत बड़ आखि करिबा उच्च मिजाज विचार क्षुद्र व्यक्तिर बड़ कथार मुंड पुराइवा हीनमना व्यक्तिर आचरण तुम रूढ़ी पढ़ी निहाती कर अदा व्यापारी से जहाजटा मूलैब मैंने बड़ कथा चिंता कला से ना तेना क्षुद्र व्यक्तिर बड़ कथार मुंड पुराइवा ही हम तेणु सी ऑप्शनटा ही ठीक देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन घर निया अंटी रे पुराइवा रूढ़ीर अर्थ कौन पुणी गोटे रूढ़ी ऑप्शन देखने निजर दोष दुर्बलता को लुचाइवा परिवार दोष पदारे पकाइवा शत्रु को आश्रय देवा ना विपद बेले शत्रु आश्रय रहा घर निया को अंटी रे पुराइवा मैंने दोष दुर्बलता को लुचाई देवा है तेणु कौन हम ऑप्शन है उन्नीस नंबर ए प्रथम ऑप्शन कोड़े नंबर देखा निम्नलिखित केऊ शब्दटी निम्नलिखित केउ शब्दटी अग्निर अर्थ बहन करूना अग्निर प्रतिशब्द पचार प्रतिशब्द किए नुहे पचार हुतासन मन पड़ू अनल मन पड़ू पावक मन पड़ू आ विभावशु तार प्रतिशब्द बीतिहोत्र प्रतिशब्द किलाल कौन किलाल अमृत तेनालीर उत्तर हूँ बी कोड़े बी है नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कहला सुध शब्दी चिन्ह व्यावसायिक 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 ना व्यावसायिक कौनटा लगुच कन्फ्यूज तुम्हें जी हम ए बी भितर हम कि कन्फ्यूज हवा दरकार नहीं तुम्हें सुध अशुद्ध पढ़ की जाइले व्यावसायिक नुहे व्यावसायिक ही ठीक बी ऑप्शनटा ही ठीक हम आमर बुझेगा तेणुक आमर मोर एक नंबर है बी देखा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित शब्द मान मध्य शुद्ध शब्दी चिन्ह पुणी गोटे शुद्ध शुद्धि अशुद्धि कथा परिच्छन्न परिच्छन्न परिच्छिन्न परिच्छन्न देख परिच्छन्न हर्षिकार हम आ द्वितीय छ ही हम कौ अपसन अच्छी प्रथम अपसन ना प्रथम अपसनटा ही ठीक द्वितीय छपर दे कौन बैश तेईस नंबर तुनाथ परम दयालु एठारे परम शब्दी क्यों प्रकार विशेषण ये देख तुनाथ दयालु कि से दयालु जो काइंड वार्डटा दयालु वार्डटा कौन विशेषण ना तेना परम दयालु मैंने के दयालु तेणु ये विशेषण विशेषण सर्वनामिक विशेषण नुहे तुलनात्मक विशेषण मध्य नुहे विशेषण विशेषण ये हम आउ गोटे अप्सन था विधेय विशेषण तेना उत्तर है सी सी है यहाँ आमर उत्तर बुझेगा तापर देखा पक्षपात शब्दर विपरीत शब्द लेख दे निरपेक्ष अपक्ष निरपेक्षता सपक्ष जी था पक्षपाती निरपेक्ष कहीं ना प
ପକ୍ଷପାତି ହେଉଛି କ'ଣ? ବିଶେଷଣ। କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷପାତଟା କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ନିରପେକ୍ଷ ନହେଇକି ହେବ ନିରପେକ୍ଷତା, ମାନେ ସେଇ ସି ଉତ୍ତର। ତାପରେ କହୁଛି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏକପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଯେମିତି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସା, ସେମିତି ହତ୍ୟା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସା। ତେଣୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହେବ? ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଜିହିର୍ଷୁ, ଜିଜିବିଷୁ। ଜିଜିବିଷା କ'ଣ? ଜିଇଁବାର ଇଚ୍ଛା ନା ହତ୍ୟାକାରୀ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? 25 ନମ୍ବର ଇଏ। 26 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଲୋଭରୁ ପାପ, ଆଉ ଲୋଭରୁ ପାପ, ପାପରୁ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଠାରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି? ସେ ଲୋଭରୁ ପାପରୁ, ଏ ଯେଉଁ ରୁଟା କ'ଣ? ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି, ଏ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। କ'ଣ ହେତୁ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହୁଏ ବା କାରଣ ଅର୍ଥରେ? ପଞ୍ଚମୀ ନା ରୁଟା ବି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ସୂଚନା ଦିଏ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ରିୟାପଦ ଶେଷରେ ଲାଗିଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। କ୍ରିୟା ଶେଷରେ ଲାଗିଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟି, ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି ଭାବୁଛ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍। ଦେଖିବା 28 ନମ୍ବର କହିଲା ଧମକେଇବା, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ପଦ? ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା, ନାମଧାତୃ କ୍ରିୟା। ଧମକେଇବା କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ଧମକରୁ ଆସିଛି। ଧମକଟା କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ବିଶେଷ୍ୟରୁ ବାହାରିଛି ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ, କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ହେବ? ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଲା କ'ଣ? ଡି, ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତଥାପି ଏହା କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ସଂଯୋଜକ, ବିଯୋଜକ, ହେତୁବୋଧକ, ସାମ୍ୟବୋଧକ। ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଭାବିଦେଲେ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଭାବିଦେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କରିପାରିବ। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲି, ତଥାପି ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ, ତଥାପି ତା ଜିଦ୍ରେ ସେ ଅଟଳ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବିଯୋଜକ, ଅପୋଜିଟ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ନା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ବିଯୋଜକ, ମାନେ ବି ଅପସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବାକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସନ୍ଧି କରିବାକୁ କହିଛି, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ, ବାକ ଆଡ଼ମ୍ବର, ବାଗାଡ଼ମ୍ବର, ବାକ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର, ବଗାଡ଼ମ୍ବର। ଦେଖ ଏଠି କ ଅଛି, କ ସହିତ ଅ ମିଶୁଛି ବା ଆ ମିଶୁଛି, କ ସହିତ ଆ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ? କଟା ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ବର୍ଗର ହେଇଯିବ। କ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କି? କ ଖ ଗ, ତେଣୁ ଗ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ବା ରହିବ, ଗ ଆଉ ଏ ଆ ମିଶିଯିବ, ଗା ହେଇଯିବ, ବାଗା ଡମ୍ବର। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଲା କେଉଁଟା? ବି। ଉତ୍ତର ହେଲା କ'ଣ? ବି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମାସ ପଚାରିଛି, 31 ନମ୍ବର, ରେଳଗାଡ଼ି କେଉଁ ସମାସ? ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ, ଅବ୍ୟବହାର ସମାସ, ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ରେଳଗାଡ଼ି ତା'ର ବାସବାକ୍ୟ କ'ଣ? ରେଳରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ି, ତେଣୁ ମଧ୍ୟପଦରେ ଲୋପ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ, ମାନେ ସି ଉତ୍ତରଟା ହିଁ ଠିକ୍। ଯିବା 32 ନମ୍ବର, ଅଜିତ କହିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ, ଏଇ ବାକ୍ୟଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ କହିଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲେଖିଦେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି, ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି, ବିସ୍ମୟ ଉକ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉକ୍ତି। ଦେଖ ଉକ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଉକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି, ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି। ଏଠି ଉଦ୍ଧୃତି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ, ଏଇଟା ଉଦ୍ଧୃତି ଚିହ୍ନ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟରୁ ଯାଇଛି ଅଜିତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟା ଦେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟା ସେଇଟା କ'ଣ? ଆଉ ଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧୃତି ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଥାଆନ୍ତା, ଆଉ ଏଇଠି ଯିବ ପରେ ଏମିତି ଦୁଇଟା ଲେଖା ଥାଆନ୍ତା, ଏ ଯେଉଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦୁଇଟା ଲେଖା ଥାଆନ୍ତା। ତେଣୁ ଇଏ ଉଦ୍ଧୃତି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉତ୍ତର ବାକି ଅପସନ୍ ହେଲା ଏ, 32 ନମ୍ବର ଏ। ଦେଖିବା 33 ନମ୍ବର, ସେ ଧନୀ ମାତ୍ର ସୁଖୀ ନୁହନ୍ତି, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌକ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ନା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ? ଦେଖ ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ ଯୌକ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ସେଇଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେଲେ ଯୌକ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖ ସେ ଧନୀ, ମାନେ ଏଠି କ୍ରିୟାଟା ଉଭେ ରହିଲା, କ'ଣ? ସେ ଧନୀ ଅଟେ ବା ସେ ଧନୀ ଅଟନ୍ତି, ଏଠୁ ଉଭେ ରହିଲା, ମାତ୍ର ସୁଖୀ ନୁହନ୍ତି, ନୁହନ୍ତି ପୁଣି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ତେଣୁକରି ଏଠି କ'ଣ? ଏଇଟା ଯୌକ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ କେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି? ସି ଅପସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସି ଅପସନ୍ ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଯୌକ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍। ତାପରେ 34 ନମ୍ବର କହିଲା ଟପର ଟପର ମେଘ ବରସିଲା, ଏଠାରେ ଟପର ଟପର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ମେଘ ବରସିଲା କେମିତି? ଟପର ଟପର। ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ଦେଖିଦିଆ, କ୍ରିୟାପଦ, ସର୍ବନାମ ପଦ, ବିଶେଷଣ ପଦ, ଅବ୍ୟୟ ପଦ, କେମିତି ବରସିଲା? ତେଣୁ କ୍ରିୟା ତ କଦାପି ନୁହେଁ, କାରଣ ବରସିଲା ହେଉଛି ଏଠି କ୍ରିୟାପଦ, କ୍ରିୟାପଦଟା କ୍ରିୟାଟା କେମିତି ସଂଗଠିତ ହେଲା ସେଇଟା କହୁଛି ଟପର ଟପର।
तेणु क्रिया विशेषण यहाँ हो क्रिया विशेषणटा क्या क्या भितर जाऊँ विशेषण भितर ना तेनालीटा हम विशेषण पद है नुहे अव्यय नुहे कि सर्वनाम नुहे कि क्रिया नुहे तेणु चौतीस नंबर कौन चौतीस नंबर हूँ आमर सी देखा पैंतीस नंबर क्वेश्चन ग्रामर एटा लास्ट क्वेश्चन नरेश धूर्त किंतु सुरेश सेपरी नुहे यही वाक्य सेपरी शब्द टी कि प्रकार पद ये जो सेपरी अच्छी कौटी सुरेश सेपरी नुहे ये सेपरी शब्दा कि प्रकार शब्द ऑप्शन है विशेष विशेषण सर्वनाम अव्यय एटा कौन सी ना बुझौन जो विशेष कितु तुलना कराई नरेश आ सुरेश भितर तेणु यहाँ हूँ कौन तुलनात्मक विशेषण तेणुक बी उत्तरटा ही ठीक तापर रहीगला आमर अनुच्छेद पैसेज क्वेश्चन आसीगला पैसेज देख क्वेश्चन आग देखी दि लेखक मैंने पैसेज सूचना लेखक मैंने परेशर क्षति करती किपर लेखक मैंने जंगल संपर्क चिंता करते ना लेखक मैंने परेश संरक्षण संपर्क में बेपरुआ ना लेखक मैंने गचलता अपेक्षा मनुष्य को अधिक भल पाती ना लेखक मैंने पुस्तक मुद्रण बहु गच काटा पड़े टी देखीद परिवेश संपर्क एक सभा को जड़े साहित्य को डाकवा बोध हुए असंगत कथा कारण लेखक मैंने परेशर अन्यतम अनिष्टकारी जंगल और गचर सुरक्षा होगी परेश संरक्षण एक विशेष लक्ष्य किंतु लेखक मान बही छापी कागज दरकार से जिते गच कटा हुए तार सीमा ना तो उत्तर मिलगला उत्तर कौन है जे गच जो कटा हुए से उत्तर है छत्तीस नंबर हूँ डी देखा सैंतीस नंबर लेखक अनुसार छपा बही पूर्व यूरोप कौन स्थिति थिला लोके अशिक्षित थिले लोके अंधविश्वास समाज को अनेक अंधविश्वास समाज को कबलित करा ना बहु कम बही थिला ना आदौ बही नथिला देखिबा कौन अच्छी टिके पढ़ देबा हिसाब कर देखाई जे जो आम से आरंभ कले हिसाब कर देखाई जे गोटे टन कागज पर चौबीस टी गच चबिशटी गच कटा हुए एवं गोटे ए फोर ए चार आकार कागज पर दस लिटर पा दरकार हुए से ही दृष्टि लेखक मैंने गचर शत्रु से बोध हुए प्रत्येक लेखक निजक प्रश्न करवा उचित मुझा लिखुची ताहा कौन गोटे गच को लोप करने योग्य पुणि थे बही छापी कागज से गच काटार उदाहरण को निजाऊ प्रथम आमर साहित्य थिला श्रुतिमूलक लोक मैंने शुणी शुणी आवृत्ति करी ताको मने रखुले और प्रसारित करुले साहित्य जेतेबले लिखित अवस्था को आसला भुजपत्र तालपत्र इत्यादि रूप से लेखा हो केवल अल्प संख्यार बही या आम ओडिशा रे गत शताब्दीर द्वितीय और तृतीय दशक पर्यंत तालपत्र लिखित पोथी प्रचलित थिला एसबू अल्प संख्यक बही पोथी को केवल राजा जमीदार और धनी लोक मैंने ही किणी पारे कौन दे पंचदश शताब्दी मध्यभाग गुटेनबर्ग चलता अक्षर और छपाजंत्र बाहर कले से पर्यंत समग्र यूरोप हाथ लेखा बहर संख्या थिला मात्र तीस हजार गुटेनबर्ग उद्भावन पचास वर्ष भितर बही संख्या नब्बे लक्ष को बढ़ीगला उत्तर मिलगला हाथ लेखा बही थी ना हाथ लेखा बहर संख्या थिला मात्र तीस हजार तेना हाथ लिखुले जमी आम ओडिशा कथा कही ओडिशा कौन लिखला आम ओडिशा ये तालपत्र भुजपत्र लिखा होता ना तेनाली हाथ से लिखुले बही यूरोप कथा कहि तेना देखा क्वेश्चन थिला कौन पूर्व यूरोप कौन स्थित ना बहु कम बही थी सब कि बही हाथ लेखा बही माने सैंतीस नंबर कौन है सैंतीस नंबर है सी देखा अड़तीस नंबर पोथी प्रचलित होला बेले ओडिशा रे कौन असुविधा होता जो तो पोथी प्रचलित थिला बेले ओडिशा रे कौन असुविधा थिला पोथी रे केवल पुराणा कालिया कथा लेखा होता पोथी केवल धनी और जमीदार मानक घरे रहुतिला पोथी लेखा होला बेले लोके अज्ञान थिले पोथी जो समाज रे जातिवाद अधिक थिला पोथी सहित जातिवाद संपर्क कौन किसी ना तेनालीरु देखिए पैसेज पढ़ले ए कौन पढ़ले देखी दि पोथी केवल धनी और जमीदार मान घर रहता है ये सब अल्प संख्यार बही जो आमर पाराग्राफ्टा अच्छी एसबू अल्प संख्यार बही पोथी को केवल राजा जमीदार धनी लोक मैंने ही किणी पारे किणुले रक्त घर ही तेनाली उत्तर कौन है धनी और जमीदार मान घर रहुला पोथी केवल धनी और जमीदार कहीं से ही किणी पारे कहला श्रुतिमूलक साहित्य कहले क्या बुझाए से ना देना ना शुणी लेखार कला स्मरण पाई लेखा जा साहित्य शुणी शुणी मान रखा एक्चुअली मान रखा ना यहाँ मन रखा कथा यहाँ टे भूल हो जाए प्रिंटिंग मिस्टेक ही अच्छी मन रखा और अगर शुणाइबार परंपरा
ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖିବା ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଇବାର ପରମ୍ପରା ନା ସମୂହ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଶ୍ରୁତିମୂଳକ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା, ଶ୍ରୁତିମୂଳକ ସାହିତ୍ୟ ଏଇଠି କହିଥିଲା, ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ଶ୍ରୁତିମୂଳକ, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆବୃତ୍ତି କରି ତାକୁ ମନେ ରଖୁଥିଲେ, ଶୁଣି ଶୁଣି ଆବୃତ୍ତି କରି ମନେ ରଖୁଥିଲେ ନାଇଁ ଦେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖିବା ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଇବାର ପରମ୍ପରା, ସେଇଟା ହେଲା ଶ୍ରୁତିମୂଳକ ସାହିତ୍ୟ। ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖିବା ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଇବାର ପରମ୍ପରା। ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଇବା କଥା କେଉଁଠି କହିଲା, ଲୋକମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆବୃତ୍ତି କରି ତାକୁ ମନେ ରଖୁଥିଲେ ଓ ପ୍ରସାରିତ କରୁଥିଲେ। ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖିବା ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଇବାର ପରମ୍ପରା। ଅପସନ୍ ବି ଆଉ ସି ଭିତରେ ଟିକିଏ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଲାଗୁଛି। ସ୍ମରଣ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଥିବା ସାହିତ୍ୟ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ ହେବ, ବେଶୀ ସ୍ମରଣ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଥିବା ସାହିତ୍ୟ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖୁଥିଲେ ନା ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ, କାରଣ ଶ୍ରୁତିମୂଳକ ସାହିତ୍ୟ, ଶ୍ରୁତିମୂଳକ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ କହିଛି ମାନେ ତୁମେ ସ୍ମରଣ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଥିବା ସାହିତ୍ୟ ହିଁ କହିବ, ତେଣୁ ବି ଉତ୍ତରଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହେଲା। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ୟୁରୋପରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖିବା ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହି ଛପା ହେବା ଫଳରେ, ବହିର ଉଦ୍ଭାବନ ଫଳରେ, ଲୋକେ ଅନେକ ବହି ଲେଖିବା ଫଳରେ, ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ ହେବାର କଥା କହିଛି ନା, ହାତ ଲେଖାରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଯିବା ଫଳରେ। ଦେଖିବା ଯେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଗୁଟେନବର୍ଗ ଉଦ୍ଭାବନର ପଚାଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହି ସଂଖ୍ୟା 90 ଲକ୍ଷକୁ ଟପିକ ବଢ଼ିଗଲା, ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଗଛ କଟା ହୋଇଥିବ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଏହି ବହି ଛାପିବା ଏକ ଭୁଲ ବିଚାର ଥିଲା, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହି ଛପା ହେବାରୁ ହିଁ ୟୁରୋପରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରେନାସାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଲା। ମାନେ ଏଇଟା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏ ଜିନିଷଟା କେବେ ଘଟିଛି, ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁକରି ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଉତ୍ତର ହେବ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହି ଛପା ହେଲା ଫଳରେ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିପ୍ଳବ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ହିଁ ଠିକ୍। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ଓଡ଼ିଆର, ନିମ୍ନ ଅନୁସତିଟି ପାଠ କରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଚାରିଗୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ୟାସ, 1750 ମସିହା ପରେ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି କଲେ, ଜନସଂଖ୍ୟା ତୀବ୍ର ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଶିକ୍ଷାର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ହେଲା, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ବଢ଼ିଗଲା, ବହୁ ଲୋକ ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଦେଖିବା ପ୍ୟାସେଜ୍କୁ ଯିବା ଟିକିଏ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, 1750ରୁ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁର ହାର ବଢ଼ିଗଲା, ଲୋକେ ଦାବି କଲେ ସରକାର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲନ୍ତୁ, ସେଭଳି କରାଗଲା। ଦେଖାଗଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ନହେଲେ ସମୂହ ଭାବରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଏଣେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକ୍ରିୟ ଥାଏ, କଳକାରଖାନାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଶିଳ୍ପାୟନର ଏହା ଏକ ପରିଣତି। ତାହେଲେ କହିଲା କ'ଣ, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଯେଉଁ ବଢ଼ିଗଲା ସେଇଟା ହିଁ ଉତ୍ତର ହେବ, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ହିଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପିଲାଟା ଆଖି ଆଗରେ ମରିଯିବା କଥା କହିଛି ନା, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ବଢ଼ିଗଲା ଦେଖ ନିମ୍ନ ଅନୁସଦଟି ପାଠ କରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଚାରିଗୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା ହେରି ଡାଇରେକ୍ଟ, 1750 ମସିହା ପରେ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି କଲେ, ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଅଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ତୀବ୍ର ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ସେକେଣ୍ଡ କହିଲା ଶିକ୍ଷାର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ହେଲା, ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ କହିଲା ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ବଢ଼ିଗଲା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ କହିଲା ବହୁ ଲୋକ ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆମେ ଯିବା ପ୍ୟାସେଜ୍କୁ, 1750ରୁ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁର ହାର ବଢ଼ିଗଲା, ଲୋକେ ଦାବି କଲେ ସରକାର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ବଢ଼ିବା କଥା କହୁଛି ନା, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ବଢ଼ିଗଲା କାହିଁକିନା ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ପିଲା ମରିଯିବ, ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ଦାବି କଲେ ଯେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଖୋଲାଯାଉ। ତେଣୁକରି 41 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା, 41 ନମ୍ବର ହେଲା ବି, ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ବି କହୁଛି ଆମର 41 ନମ୍ବର ହେଲା ସି, ସି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ନା, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ବଢ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ସି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ କାରଣରୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଲା, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଏ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ଟା।
द्वितीय ऑप्शन बी ऑप्शन थिला शिल्पजनित प्रदूषण जो श्वास रोगी संख्या बढ़ीगला। सी ऑप्शन थिला कलकारखाना गुड़िकर दुर्घटना घटी लोके मृताहत हेले। लास्ट ऑप्शन थिला कठिन परिश्रम और क्षुधा जो अनेक श्रमिक मृत्युवरण कले। जीवा पैसेज को देखा कहीं इंग्लैंड में असंतोष देखादेला कौन दे देख लोके दाबी कले सरकार अधिक संख्यक डाक्तरखाना खोलतु से भली करागला देखागला जे लोकों भितर स्वास्थ्य संपर्क में शिक्षार प्रसार न होले समूह भाव में जनस्वास्थ्य व्यवस्था कार्यकारी हो पारिना एणे आउ एक प्रक्रिया सक्रिय थाए। कलकारखाना जो श्रमिक मैंने काम करें गोटे गोटे स्थान में बहु संख्य बसवास करने को लगे शिल्पायन एक परिणति एभली जनबहुलतार कुप्रभाव लोकों स्वास्थ्य उपर पड़ा। इंग्लैंड यही समस्या उत्कट रूप धारण कला जो जनबहुलतार कुप्रभाव पड़ू स्वास्थ्य उपर पड़ इंग्लैंड यही समस्या उत्कट रूप धारण कला लोक भितर असंतोष देखाला। तेणुक स्वास्थ्य लोकों जो खराब है कहूँ ना जो जनबहुलता जो स्वास्थ्य उपर जो प्रभाव पड़ा से ही कथा कहूँ देख तेणु शिल्प विप्ल जनित प्रबल जनसमागम समस्या सृष्टि कला यहीटा ही हम शिल्प विप्ल प्रदूषण हेतु श्वास रोगी संख्या ये श्वास रोगी संख्या किसी ना कलकारखाना दुर्घटना घटे लोक मृताहत हेले सीटा भी किसी कहनी कठिन परिश्रम क्षुदा जो अनेक श्रमिक मृत्युवरण कले किसी कहनी स्वास्थ्य उपर प्रभाव पड़ा प्रबल जनसंख्या वृद्धि जो तेणु कौ ऑप्शन ठीक प्रथम ऑप्शन कौन देता ए ऑप्शन टाइम आमर ठीक उत्तर हम ए ऑप्शन शिल्प विप्ल जनित प्रबल जनसंख्या समस्या सृष्टि कला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों समस्या विंश शताब्दी आरंभ बेलू जनस्वास्थ्य रक्षा प्रश्नटी को जटिल करदेला क्यों समस्या दारिद्र्य वृद्धि घटला अनेक डाक्तरखाना डाक्तर नथिले पैसा हेबर अनेक आवश्यकता अधिक खाइबा को आरंभ कले दरिद्र लोक मध्य केतेक रोग व्यापक भाव में देखा देला। देखा विंश शताब्दी आरंभ बेलू कहीं जनस्वास्थ्य रक्षा प्रश्नटी को जटिल करदेला क्यों समस्याटा ना देखा यही जनबलतार कुप्रभाव लोक स्वास्थ्य उपर पड़ा इंग्लैंड यही समस्या उत्कट रूप धारण कला लोक भितर असंतोष देखादेला सेतेबेले संकट को सामना करने विभिन्न देश में जनस्वास्थ्य सुरक्षापी विभिन्न संस्था स्थापित करागला। 1801 मसीह 1841 मसीह मध्य लंडन जनसंख्या दुईगुण होगा जनसंख्या बढ़िया संगे संगे विभिन्न रोग में मृत्युवरण कर लोक संख्या बढ़ला। 1831 मसीह बर्मिंगहाम सहर में हजार लोक 14 जन मरुला बेले 1841 मसीह को मृत्युहार 27 पहुँचला। कलकारखाना गढ़ी उठा अनेक सहर में उणा अधिक यही अवस्था स्वास्थ्य रक्षार व्यवस्था ना इे जनसंख्या बढ़ी चलीपर दे व्यवस्था अधिक दिन ग्रहणीय है इंग्लैंड जेनेराल बोर्ड ऑफ हेल्थ नामक संस्था स्थापित होगा। यही संस्था यथासंभव सफलतार सहित जनस्वास्थ्य समस्या समाधान करने उद्यम कला। इंग्लैंड को अनुसरण कर आमेरिका यूरोप्र अनेक देश से हीभि अनुष्ठान प्रतिष्ठा कले। 19 शताब्दी शेष हो आसला बेलू ए दिगरे बहुत किसी सफलता हासिल हो सारा विंश शताब्दी आरंभ में आउ गोटे समस्या जनस्वास्थ्य रक्षा प्रश्नटी को जटिल करदेला दरिद्र लोकों भितर विशेषतः सहरतली अंचल गरीब लोकों भितर नाना कारणरु केते गुड़िए रोग व्यापक भाव में देखादेला है उत्तर मिलगला आम दरिद्र लोकों भितर आ विशेषतः सहरतली अंचल लोकों भितर गरीब लोकों भितर नाना कारण अनेक गुड़िए केते गुड़िए रोग व्यापक भाव में देखादेला तेना ऑप्शन कौन हम दरिद्र लोकों भितर मध्य केतेक रोग व्यापक भाव में देखादेला तेणु 43 नंबर है ऑप्शन डी जोड़ा अच्छी दरिद्र लोकों मध्य तापर देखा नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थनीतिक मानकर केउ कथा रे विशेष मूल्य नथिबा जणागला उत्पादन बढ़ले दारिद्र्य रहिबो नाही। कलकारखाना दारिद्र्य वृद्धि प्रमुख कारण दारिद्र्य प्राचुर्य मध्य दूरता बढ़िजिव आउटे कहला दरिद्र मान निजर अलसुआ पण जो दरिद्र हो रुहती। देखा जीवा पैसेज को कौन अच्छी इंग्लैंड और आमेरिका भाई देश में आम यू छाड़ी ना यू देखा इंग्लैंड ओ एवं आमेरिका भाई देश में सहरतली अंचल बहु लोक एका सांगर रहिले सुषम खाद्यर अभाव जन संक्रमित रोग अत्यधिक मद्यपान एवं अन्य केतेक रोग जो अवस्था असंभाल होता 19 शताब्दी अर्थनैतिक कही 19 शताब्दी नहीं कही कलकारखाना अधिक रु अधिक उत्पादन हेले लोकों अभाव पूरण हो दारिद्र्य दूर हो लोके कष्ट भोगे ना किंतु 20 शताब्दी आरंभ बेले देखागला यही कथा से भली किसी मूल्य ना
सरकारी उद्यम ना लोकंर सामूहिक स्वास्थ्य उन्नति और सुरक्षा अमीमांसित हो रही ताले कही अधिका उत्पादन अभाव पूरण हो दारिद्र दूर हो कथा ही कही लोक आ कष्ट भोगे ना ये कौन दे उत्पादन बढ़ले दारिद्र रही आउट कहला कलकारखाना दारिद्र बृद्धि प्रमुख कारण दारिद्र प्राचुर्य मध्य दूरता बढ़ीज दरिद्र मैंने निजर अलसुआपण जो दरिद्र ही रुहत एक कथा कदापि कही डी ऑप्शन टा उत्तर हूँ उत्पादन बढ़ले दारिद्र रही कही ना ये अधिक अधिक उत्पादन है लोकर अभाव पूरण हो दारिद्र दूर हो दारिद्र रही ठीक अच्छे तेरु ऑप्शन टा है प्रथम ऑप्शन उत्पादन बढ़ले दारिद्र रही तेनालीराम प्रथम ऑप्शन 44 नंबर ए देखा लेखक मतलब सरकारी उद्यम के अत्यंत गुरुत्वपूर्ण दारिद्र दूरीकरण स्वास्थ्य रक्षा अर्थनीति सुधार शिक्षा विभाग में संस्कार यहाँ तो स्वास्थ्य कथा प्राय कहीं देख लास्ट लाइन आ लास्ट लाइन पूर्व लाइन टा कि विंश शताब्दी आरंभ बेले देखागला यही कथा से भली किसी मूल्य ना सरकारी उद्यम ना लोकर सामूहिक स्वास्थ्य उन्नति और सुरक्षा अमीमांसित ही रही स्वास्थ्य कथा कहला तेना कौन कौन स्वास्थ्य रक्षा ऑप्शन कौन 45 नंबर हूँ आमर बी स्वास्थ्य रक्षा जो कही 45 बी होगा देखा आउ पांचटी क्वेश्चन उड़िया रहा निम्न अनुच्छेद पाठ कर निम्न दिखाई प्रश्न गुड़िकर चार गोटी संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तर बाछी लेख देखा क्वेश्चन कौन सामाजिक गणमाध्यम समाज को कबलित कला किपर लोक विभिन्न तथ्य जगह जहाँ आम मस्तिष्क जहाँ देखा भल पाऊँ ताक देखा ना लोकों मध्य कुसंस्कार दूर करी ना लोकों को निमिष मात्रे तथ्य प्रदान करी जीवा पैसेज को देखा कृत्रिम बुद्धिमता कौनटा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ये चलिए ए प्रथम लहरी सामाजिक गणमाध्यम जरिया मनुष्य समाज को संपूर्ण भाव में कबलित करी सामाजिक गणमाध्यम कंपानी मैंने व्यवहार करुवा आलगोरिदम लोक तथ्य दिए जहाँ मस्तिष्क डोपामिन प्रवाहित कर अजाणत लोके सामाजिक गणमाध्यम छंदी हो हिताहित ज्ञान हराउंट शैशवर सामाजिक गणमाध्यम आमको आसक्त करे तार बुझेगा उत्तर ताल आम मस्तिष्क जहाँ डोपामिन क्षरण हम ना आम खुशी रहा तेनालीमक जहाँ भल लगे सी हिं देख तेनाम मस्तिष्क जहाँ देखा भल पाऊँ ताकू देखा लोक विभिन्न तथ्य जोगाई न सामाजिक गणमाध्यम समाज को कबलित कला किपर ये देना कृत्रिम उद्भिदार प्रथम लहरी सामाजिक गणमाध्यम जरिए मनुष्य समाज को संपूर्ण संपूर्ण भाव में कबलित कर सामाजिक गणमाध्यम कंपनी मैंने व्यवहार करुवा आलगोरिदम लोक एभली तथ्य दिए तथ्य दिए जो तथ्य मस्तिष्क डोपामिन प्रभावित करम खुशी करमको तेणुक आम मस्तिष्क जहाँ देखा भल पाऊँ देखा ही हम है लोक मध्य कुसंस्कार दूर करमती किसी ना लोक निमिष मात्र तथ्य प्रदान कर लोकों को विभिन्न तथ्य जगह न तेना उत्तर है 46 नंबर बी है देखा 47 नंबर कौन दे कृत्रिम बुद्धिमता और मनुष्य मस्तिष्क मध्य वर्तमान तुलनात्मक स्थिति कौन यदि कंपेरिजन करना कृत्रिम बुद्धिमता और मनुष्य मस्तिष्क भितर तेल वर्तमान स्थिति कौन कहूँ प्रथम ऑप्शन कृत्रिम बुद्धिमता एवं मनुष्य मस्तिष्क समकक्ष द्वितीय ऑप्शन कहला कृत्रिम बुद्धिमता एवं मनुष्य मस्तिष्क समकक्ष नुहे थर्ड ऑप्शन कहला कृत्रिम बुद्धिमता मनुष्य मस्तिष्क एक नकल लास्ट ऑप्शन कहला कृत्रिम बुद्धिमता मनुष्य मस्तिष्क समकक्ष हो पार ना देखा कौन दे पढ़ा टी आग को अजाणत लोके सामाजिक गणमाध्यम छंदी हो हिताहित ज्ञान हराउंट शैशवर सामाजिक गणमाध्यम आमको आसक्त करेभली निशा सेवन कर लोके निज उपर नियंत्रण हराती से हीभली सामाजिक गणमाध्यम लोके अन्य को गाली गुलज कर सतमिछर फरक करी लोके सामाजिक गणमाध्यम व्यवहार कले कंपानी लाभ समाज उपर कुप्रभाव दिगरे से चिंता ना वर्तमान किंतु कृत्रिम बुद्धिमतार द्वितीय ढेव को नहीं आशंका बढ़ी चली प्रथम कर जंत्र मनुष्यटर अधिक बुद्धिमान होगा जाऊँगी शेष जांत्रिक बुद्धिमता पृथ्वी को कबलित करेब तापर दे मनुष्यर मस्तिष्क प्रकृति सबुठ जटिल पदार्थ भाव परिगणित हुए मनुष्य मस्तिष्क एक बिलियन स्नायुकोष अच्छी से मध्य 100 ट्रिलियन संजोग अच्छी चार्ट जीपीटी 4 4 25,000 जीपीयू को समांतर भाव संयोजित कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली होगा फल कंप्यूटरीकरण जो विशा तथ्य संगृहित होता जो आलगोरिदम एवं मनुष्य भली कथोपकथन करने को लगला तेब
ଏବେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମାତ୍ର 100 ମିଲିୟନ ସଂଯୋଗ କୃତ୍ରିମ ଭାବେ କରିପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଏହି ଦିଗରେ ବିକାଶ ହେଉଛି ଆଉ 2 ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ମଣିଷ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭଳି ଏକ ଜଟିଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯନ୍ତ୍ର କୃତ୍ରିମ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ତାମାନେ ଏବେ ମଣିଷ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲା କ'ଣ, ମଣିଷ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ସଂଯୋଗ ଅଛି, 100 ଟ୍ରିଲିୟନ ସଂଯୋଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ କରିଛେ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମାତ୍ର 100 ମିଲିୟନ ସଂଯୋଗ ମାତ୍ର କୃତ୍ରିମ ଭାବେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭଳିଆ କରାହେଇପାରିନି। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମସ୍ତିଷ୍କର ସମକକ୍ଷ ନୁହେଁ, ସମକକ୍ଷ ହେଇନି, ହେବ, ହେଇପାରେ। 47 ନମ୍ବର ହେଲା ବି ଦେଖିବା। 48 ନମ୍ବର, ଅତୀତରେ ନୂଆ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବେକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଶ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନି, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି, ChatGPT 4 ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ଗପ ଲେଖିପାରୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବ, ନୂଆ ଔଷଧ ଖୋଜିବ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ମଣିଷ ଜାତି ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିପଦର ସମାଧାନ କରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯନ୍ତ୍ର କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସଂଗଠନ ବା ଦେଶ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀରୁ ମାନବ ସମାଜକୁ ଲୋପ କରିଦେବେ। ଏଭଳି ଭୂତାଣୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ ଯାହା COVID-19 ଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦ ଆଣିଦେବ। ପରମାଣୁ ବୋମା ଠାରୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଦ୍ଧିମତା ଅଧିକ ବିପଦଜନକ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକାଠି ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର କରିବ ତାହେଲେ ଲୋକେ ବେକାର ହୋଇଯିବେ, ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତୀତରେ ନୂଆ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ଯେତିକି ପୁରୁଣା ଚାକିରି ନଷ୍ଟ ହେଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚାକିରି ତିଆରି ହୋଇଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଲା ବେଳେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଲୋକେ ଜୀବିକା ହରାଇବେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଘଟିଲା ଓ ଅଧିକ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବୁଝିହେଲା, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଆମେ ମିଳିଯାଇଛି। ଅତୀତରେ ନୂଆ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବେକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ନା, କାହିଁକି ନା ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସିଏ। ତେଣୁ ବି ଅପସନ୍ଟା ହିଁ ଠିକ୍। 48 ନମ୍ବର ହେଲା ଆମର ଏଇ ବି ଅପସନ୍ଟା ଠିକ୍, ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦେଖିବା 49 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ଶେଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ପୂର୍ବ କୋଶ୍ଚିନ୍, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ କେଉଁଟି କାରଣ। ଦେଖିବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଓ ବିଗ୍ ଡାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଲୋକଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବା, ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରାଯିବା। ଦେଖିବା, ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଥିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଲା ବେଳେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଲୋକେ ଜୀବିକା ହରାବେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଘଟିଲା ଓ ଅଧିକ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏ ସ୍ଥିତିର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୋଇପାରେ, କେବଳ ଚାକିରି ଯିଏ ଯିବ ତାହା ନୁହେଁ, ଏବେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବ୍ୟବହାର କରି ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଅଡ଼ିଓ ଓ ଚିତ୍ର ସହଜରେ କରିହେଉଛି। ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଛବି ବା ପାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବାସ୍ତବ ନା ଯନ୍ତ୍ରକୃତ। ଯଦି ସେଭଳି ହୁଏ ତେବେ ସମାଜରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ଚାରିଆଡ଼େ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ, ଅପରାଧୀମାନେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନାନା ଅପରାଧ ଭିଆଇବେ, ମଣିଷ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇଯିବ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିପାରି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ, ସେଥିରୁ ଲାଗୁନି ଯେ ସରକାରମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକମାନେ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି କାରଖାନାରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, ଜମିରୁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୈନିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଉପାଦେୟ ହେବେ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଏହି ଶାସକମାନେ ଜନତାକୁ ସଂହାର କରିପାରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆକଳନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିକଟରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେତେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ୍ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବୈଠକ କରିସାରିଛି, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ କେଉଁଟି କାରଣ, ଏଇଟା ଆଗରୁ ହିଁ ଉତ୍ତର ଅଛି। ଦେଖ କ'ଣ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ହେଲା, ଆଉ ବିଗ୍ ଡାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ କହିଥିଲା ନା, ମାନେ
ଆମର ଆଉ 2 ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ମଣିଷ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭଳି ଇଏ ଦେଖ 2 ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେଉଛି କେଉଁଠି ସେଇଟା ଅଛି ଦେଖ, ଯେଉଁଭଳି ଏଇଠୁ ଦେଖ ଯେଉଁଭଳି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେଉଛି ଆଉ 2 ଦଶନ୍ଧିରେ ମଣିଷ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭଳି ଏକ ଜଟିଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯନ୍ତ୍ର କୃତ୍ରିମ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଯିବ ହେଲା। ଚାଟ୍ GPT 4 ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ଆଉ ଗପ ଲେଖିପାରୁଛି। ତାହେଲେ ଉନ୍ନତି ଯେଉଁ ଘଟୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ମାନର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ 49 ନମ୍ବର କ'ଣ ଏ, 49 ନମ୍ବର ହେବ ଏ, ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଓ ବିଗ୍ ଡାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା କାହିଁକି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 50 ନମ୍ବର, ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ କରାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନ, ଭାରତରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନ, ବ୍ରିଟେନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ସମ୍ମିଳନୀ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ନା କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଭାରତରେ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଲେଖିଛି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେତେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ, ଏଇଠି ଅଛି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେତେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ୍ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୈଠକ କରିସାରିଛି, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ କେଉଁଠି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ କରାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି, ଭାରତରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନ। ତେଣୁ 50ଟି ଓଡ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ। ତେଣୁକରି ତୁମେ କେତେ ସ୍କୋର କରିବ, କେମିତି ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କେତେ ସ୍କୋରଟା ସେଫ୍ ସ୍କୋର ରହିବ ସେଇଟା ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆଉ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଇଂଲିଶର 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ପୋଲିସ SI ଆମର 2021 ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଆଣି ଆସିବି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। Thank you all.